सूरज ने आग बरसाई तो शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची से गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद शहरी भी बिलबिला उठे हैं। छुट्टी के दिन शहरियों ने रुख किया कराची के चिड़ियाघर का। शहरियों का कहना था कि शहर में गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और घर में लोड शेडिंग बैठने नहीं देती। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और इसके अलावा जो है ना वहाँ लोड शेडिंग से तंग आके बच्चों को मैंने कहा चलो घूम भी लेंगे, थोड़ी सी तफरी हो जाएगी बच्चों की। दो दिन से बहुत हफ्स हो रही है, गर्मियाँ हो रही है, बच्चे कह रहे थे कल से कि अब घूमने चले कहीं, तो हमने सोचा है गार्डन चले, इससे बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती है कराची में। आए सुबह से यहीं पर ही सैर तफरी कर रहे हैं, बच्चे बड़े खुश है, झूला झूल रहे, शहर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। चिड़ियाघर में सिर्फ शहर से ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क से भी शहरी घूमने के लिए आए हुए थे, जिनका कहना था कि कराची चिड़ियाघर बहुत अच्छा है और यहाँ घूमकर बहुत मजा आया। जबकि खवातीन का कहना था कि चिड़ियाघर आकर गर्मी का एहसास भी कम हो गया है। बस गर्मी बहुत है और लोड शेडिंग हो रही है, इस वजह से हम लोग घूमने निकले और यहाँ पे जैसे गर्मी का एहसास नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इंडिया से आए हुए हैं दिल्ली से और मेरी मदर के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। जू काफ़ी नियर बाय जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें, और डॉक्टर साहब ने शेर को भी हाथ लगवाया तो पहली बार हाथ लगाया, बहुत अच्छा लगा। घूम के सब चीज़ देखी मैंने, यहाँ शेर को भी हाथ लगाया, सब चीज़ देखी। जहाँ गर्मी से बड़े घबराए वहीं बच्चों के मजे आए और चिड़ियाघर में खूब हल्ला गुल्ला किया, किसी ने जानवर देखे तो किसी ने झूले झूले। बच्चों का कहना था कि गर्मी की वजह से इनको घूमने का मौका मिल गया। बहुत सारी चीजें देखी, शेर, बब्बश, लायन, हाथी, हमने बहुत सारी चीजें देखी, शेर देखा, लायन देखा, बहुत सारी चीजें। कराची के शहरियों का कहना था कि गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया जाता है, तहां महकमा मौसमियात ने गर्मी खत्म होने की खुशखबरी भी सुना दी है। कैमरामैन मेहताब आलम के साथ सैयद आतिफ अली, K21 न्यूज़, कराची।